फिर देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग चैप्टर टू पढ़े, हम फैन ऑफ कर दिए ना राहुल ये, हम लोग चैप्टर टू पहले पढ़े और चैप्टर टू के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, चैप्टर 20। अब आप लॉजिकली सोचिए चैप्टर टू के बाद सीधे 20 कैसे। देखो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना टोटल आपका 22 चैप्टर है, 22 में से एक चैप्टर तो बेकार ही हो गया तो 21 चैप्टर बचा। तो उस सारे चैप्टर्स को ना आपको एक प्रोसेस से समय पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा। स्टार्टिंग का जो चैप्टर है ना, जैसे चैप्टर टू पढ़ाए आपको, तीन क्लास पढ़ाए, वो कितना मार्क्स का कवर करता है बताइए, 2 मार्क्स। उसके बाद मान लीजिए चैप्टर आ जाइए आप ये 20 में हम लोग जा रहे हैं, चैप्टर 20 जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आता है और 10 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें को पढ़ाने में भी 3 दिन लगेगा, इसको पढ़ाने में भी 3 दिन लगा, उस चैप्टर को पढ़ाने में भी 3 दिन लगा। फर्क क्या है, इससे हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, उससे हमको 2 मार्क्स मिलेगा, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 4 कितना हो गया 9, और एक MCQ है, SAQ आएगा, बस SAQ तो नहीं फिल इन द ब्लैंक्स देता है लोग इकोनॉमिक्स वाला लोग। ठीक है बाबू, अच्छा अब ध्यान से सुनना है आपको, तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक चैप्टर एंड से पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक चैप्टर एंड से पढ़ेंगे, इससे हम लोग का मार्क्स भी कंप्लीट होगा और पढ़ाई भी कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग का क्या है ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है हम लोग का, चैप्टर का नाम है चैप्टर 20, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी। बड़ा ईजी चैप्टर है, मतलब इतना ईजी, हम तो आपको पहले ही बोले थे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ईजी है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, क्योंकि 11 में ना बहुत सारे चैप्टर्स थे और बिना मतलब बोरिंग चैप्टर्स थे, यहाँ पे सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल भी है और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चैप्टर का नाम ही देखिए क्या है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, मतलब गरीबी बेरोजगारी और असमानता। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में आपको 3 चीज के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है और असमानता। अभी नोट्स में देखने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अभी हम आपको समझाएंगे भरपूर, उसके बाद आपको हम नोट्स में बोलेंगे, तो नोट्स में आप देखना, बात समझना ज्यादा अभी उतना मोबाइल में ध्यान देकर फायदा नहीं, अभी सिर्फ सुनिए आप सुकून से। तो दोस्तों पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इनइक्वालिटी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, पहले जब क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले समझिए ये चैप्टर को क्यों ऐड किया गया, और ये एक साथ ही चैप्टर, क्या ये तीनों चीज एक होता है, क्या गरीबी बेरोजगारी असमानता तीनों एक ही चीज है, जी नहीं, क्या ये तीनों एक चीज है, क्या नहीं, तीनों चीज एक नहीं है बाबू, तीनों चीज अलग अलग है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज एक होता तो एक चैप्टर में नहीं देता, अगर ये तीनों चीज एक होता बस समझे ना, तो अलग अलग करके लिखा हुआ नहीं रहता, तीनों चीज अलग चीज होता है, लेकिन क्या है ना तीनों का इंटर रिलेशन है, कैसा रिलेशन है नहीं समझे, कैसा रिलेशन है, इंटर रिलेशन मतलब आंतरिक संबंध, कैसा संबंध, आंतरिक संबंध, आंतरिक संबंध मतलब अंदर अंदर ये लोग का सेटिंग है। कैसे आपको बता रहे, सुनिए हिंदी में लाइन है कि गरीब वही है जो बेरोजगार है, समझिए गरीब वही है जो क्या बाबू, बेरोजगार, कॉमन सेंस, गरीब वही है जो क्या बाबू, बेरोजगार, बात समझ लीजिए। तो गरीबी का देखो आपको हम एग्जांपल देते हैं, 2 बहन है, एक का नाम है मुन्नी और एक का नाम है सीला, एक का नाम क्या है मुन्नी और एक का नाम क्या है सीला। ये एग्जांपल हम लोग का एवरग्रीन एग्जांपल है, 2 लड़की है, मान लीजिए मेरा 2 बेटी, हम अपने एग्जांपल दे रहे, चलिए फील कर पाएंगे आप, ठीक है सपोज मान लीजिए, देखिए तो सपोज मान लीजिए मेरा 2 बेटी है, एक का नाम है मुन्नी और एक का नाम है सीला, दोनों बीकॉम पास है, क्या पास है बाबू, बीकॉम पास है, दोनों बीकॉम पास की है, बीकॉम पास करने का क्या है ना, मुन्नी जो है ना वो पढ़ाई लिखाई में उसको मन नहीं लगता है, वो घर में बैठ के रहती है, जैसे तैसे करके बीकॉम पास कर लिया। देखो आजकल क्या है ना, बीकॉम को ओलू पोलू समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं ओलू पोलू, ओलू पोलू समझते हैं ना, जो तो बीकॉम पास कर जा रहा कोई बात नहीं है, ऐसे भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा, तो बीकॉम पास करना आज के जमाने में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब बोले आपके पिताजी लोग के टाइम में या हम लोग के पिताजी लोग के टाइम में, उस समय में कोई कोई आदमी बीकॉम करता था। अब बोलते हम अपना घर का कोई स्टोरी बता रहे हैं, मेरा एक चाचा है वो 10 पास है, मेरा अपना चाचा 10 पास है उस जमाना का, उनका अंदर जितना क्वालिटी है ना आज के ग्रेजुएट बच्चों के अंदर भी उतना क्वालिटी नहीं, और ये रियल ही बात है, आपको हम रियल बात बता रहे हैं। क्यों बताया, उस समय का पढ़ाई नेचुरल पढ़ाई करते थे लोग, लोग डेडिकेटेड होकर पढ़ते थे। अगर भैया देखो पहले के जमाने में आप देखो मेरा 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो पढ़ते ही नहीं थे, या पढ़ते थे तो दिल से पढ़ते थे, हमारा जमाना क्या है सब पढ़ता है जबरदस्ती टांग टून के पढ़ रहे। देखिए एक होता है पढ़ना और एक होता है अच्छा से पढ़ना, दोनों में तो फर्क है। आप पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको पास होना है, और आप पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स लाना है, दोनों में तो फर्क होता है। पास हो गए अच्छा मार्क्स लेके आ गए, और देखो स्वाभाविक सी चीज है, नॉलेज रहेगा तो मार्क्स भी आएगा और आपका नॉलेज भी रहेगा, तो इसीलिए नॉलेज पे हमेशा फोकस करना चाहिए। और पहले के जो लोग होते थे दे यूज्ड टू बी वेरी टैलेंटेड, भाई नाउ डेज पीपल आर नॉट टैलेंटेड,
आज के जमाने में लोगों के अंदर उतना क्वालिटी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल बात अपने आसपास में देखोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन में है बट उनको ठीक से किसी भी चीज का मीनिंग नहीं आता, लेकिन मार्क्स कितना लेके आएगा, 98%, 99%। बहुत सारे बच्चे हम लोग के, मेरे लिंक में तो बहुत बच्चे हैं, हम तो पढ़ाते ही है तो मेरे लिंक में बहुत बच्चे, तो उस बच्चे लोग बाद में आकर बेरोजगारी ना बनेगा, कॉमन सेंस, वो बच्चे लोग बाद में आके क्या बनेगा, आप बताइए, सोच के बताइए, वो बच्चा लोग बाद में आकर के क्या बनेगा, वो लोगों का आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। आप इस तरह का नौकरी करके आप आईएएस ऑफिसर बनने का सपना कैसे दे सकते हैं? हम लोग आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, एफर्ट नहीं देंगे, बस खाली अपने आप को कोसते रहेंगे, बोले नहीं नहीं हमको भगवान कुछ नहीं दे रहे, अल्लाह कुछ नहीं दे रहे, ईश्वर कुछ नहीं दे रहे। अरे भगवान अल्लाह ईश्वर क्या देंगे आपको बताइए, आपको तो अपना एफर्ट देना पड़ेगा ना। इंसान का प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान ब्लेमिंग एटीट्यूड वाला होता है। ब्लेमिंग एटीट्यूड मतलब हम लोग को जब कोई चीज नहीं मिलता है ना, हम लोग ऊपर वाला का दोष दे देते हैं, ऊपर वाला समझते हैं ना, गॉड अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जिसको भी आप मानते हैं, अरे दूर ऊपर वाला मेरा नसीब में नहीं है। तो नसीब में नहीं है वही लोग बोलते हैं जो कोशिश नहीं करते, जो लोग कोशिश करेंगे वो लोग ये लाइन नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि हम एफर्ट दे रहे हैं कभी ना कभी हमको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग एफर्ट नहीं देंगे वो लोग ये बोलेंगे लग रहा ऊपर वाला मेरा फेवर में नहीं है, अभी मेरा यार हंस नहीं रहा इसलिए बारिश हो नहीं रहा, तो वो लोग तो ऐसे ही बोलेगा ना, वो सब आदमी लोग वही से बात बोलेगा, अच्छा आदमी लोग नहीं हो सकता। सो बच्चे लोग समझिए, मुन्नी भी ग्रेजुएट है, शीला भी ग्रेजुएट है, मुन्नी भी ग्रेजुएट है, शीला भी ग्रेजुएट है, मुन्नी इज डूइंग द जॉब, मुन्नी इज डूइंग द जॉब बट शीला इज नॉट डूइंग द जॉब। मुन्नी जॉब करती है, शीला जॉब नहीं करती है। जो जॉब करती होंगी उनके पास क्या क्या होगा देखिए, जो जॉब करती होंगी उनके पास खाने के लिए खाना होगा, पहनने के लिए कपड़ा होगा, रहने के लिए घर होगा, वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं। लेकिन जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, वो क्या बाबू, गरीब। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हैज अ क्लोज रिलेशन। ये क्वेश्चन कितना 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ट्रू या फॉल्स, क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए, क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताइए। यस, गरीबी में और बेरोजगारी में एक गहरा संबंध है, ये बात सही है कि गलत है बताइए, सही है ये बात, गरीबी और बेरोजगारी का एक गहरा संबंध है और ये बात सही है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों में एक कैसा रिलेशन है, वो क्लोज रिलेशन। तो वही आदमी गरीब है जो बेरोजगार है, बेरोजगार हो तो गरीब हो, बेरोजगार हो तो गरीब हो। तो इस चैप्टर में आपको 3 चीज के बारे में पढ़ाएंगे, एक तो गरीबी के बारे में, एक तो बेरोजगारी के बारे में, और एक तो इनक्वालिटी के बारे में। अब देखिए गरीब अमीर, जो एग्जाम्पल दे रहे थे, तो अगर मान लीजिए मेरा बेटी मुन्नी रिच होंगी और मान लीजिए शीला पुअर होंगी, तो द मोमेंट यू स्टार्टेड स्पीकिंग, जैसे आप ये कहते हो कि आप अमीर हो हम गरीब है, यही होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या, भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, गोरा काला का भेदभाव, नाटा लंबा का भेदभाव, पतला मोटा का भेदभाव, किसी को हम लोग प्यार करते तुम मोटा हो, आप कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को जन्म दे रहे हो। इनइक्वालिटी यही होता है, हिंदू मुस्लिम करना ये इनइक्वालिटी होता है, बड़ा कास्ट छोटा कास्ट करना ये इनइक्वालिटी होता है। तो जब आपके सब, जब आपके मुंह से मेरे, हम अपना बात भी बोले, जब मेरे मुंह से या आपके मुंह से किसी भी व्यक्ति के मुंह से जब ये निकलने लगे कि मैं अच्छा हूं तुम बुरा हो, जब जब कोई इंसान मैं शब्द का इस्तेमाल कर देता है ना, मैं, समझते हैं हिंदी आप लोग का बहुत अच्छा होगा, अब उसमें मैं शब्द होता है हिंदी में, मैं शब्द का मतलब होता है अहंकार। जिस वक्त आप ये कहना स्टार्ट कर दिए कि मैं, मतलब क्या, मैं का मतलब हो गया अहंकार, अहंकार का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एटीट्यूड आ रहा है जहां पे आप भेदभाव को जन्म देने वाले हो। मैं मतलब क्या, मैं बड़ा हूं इसका मतलब तुम छोटा हो, कॉमन सेंस, तो सही। मैं अमीर हूं मतलब तुम गरीब हो, कॉमन सेंस। मेरा घर है मतलब तुम्हारा घर नहीं है, कॉमन सेंस। तो देखिए इनइक्वालिटी क्या बाबू, इनइक्वालिटी। तो जो बेटी मेरा पढ़ा लिखी होगी, जो बेटी मेरा जॉब करती होगी, जो बेटी क्या अमीर होगी, उसको हम एक अलग नजरिए से देखेंगे, कॉमन सेंस। आप सोचिए बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा का प्यार में भी पार्शियलिटी हो जाता है समाज में, जब आप देखोगे ना, बहुत बार ऐसा होता है, आप देखोगे ऐसा बहुत कम होता है बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जहां पे देखोगे जो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, जो बच्चा मान लीजिए अच्छा से नौकरी कर रहा है, जो रोजगार है जिसके पास, जो अमीर है उसके प्रति एक अलग टेंडेंसी रहता है बहुत सारे लोगों का, और जो गरीब है उसके प्रति एक अलग टेंडेंसी होता है। तो यहां पर क्या है, गरीबी बेरोजगारी और असमानता, तीनों चीज इंटर रिलेटेड है। और सबसे खुशी का बात क्या पता है, इंडिया में ये तीनों है, बस समझे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ये तीनों चीज से इंडिया सफर कर रहा है, इसको ना इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं इंडियन इश्यूज, इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स, इश्यूज मतलब प्रॉब्लम। इंडिया के इकोनॉमिक्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या गरीबी, क्या बेरोजगार, क्या असमानता।
गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो अपने कंट्री में नहीं है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अब जैसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम बोलेंगे अपना कंट्री में ये सब प्रॉब्लम है, तो कोई बच्चा बोलने लगेगा आप देश विरोधी है, आप देशभक्त नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ लेना, कोई चीज को पढ़ाने के लिए उसका सच्चाई तो बताना पड़ता है ना। आपको पता होगा इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया में देखिए इंडिया में हर चीज ही है क्योंकि हम लोग इंडियन है, बट इंडिया इकोनॉमिकली बहुत वीक है। जब बात इकोनॉमिक्स का आता है ना, तो हम लोग इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली चैलेंज है। इकोनॉमिकली चैलेंज है मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग का अच्छा नहीं है। गरीबी भरपूर, बेरोजगारी बहुत भरपूर और असमानता भरपूर। गरीबी से भी नीचे एक लेवल होता है, उसको क्या बोलते हैं पता है? भिखारी। क्या बोलते हैं? भिखारी। गरीबी से भी नीचे एक तो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको क्या बोलते हैं अबू? भिखारी। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ है बताइए? पश्चिम नहीं होता, पश्चिम। बस यार हिंदी तो सही से बोलो, आप तो नाम खराब कर दोगे दोस्त। बात समझ रहे ना? देखिए अब आप किसी को बैठ बोलेगा पश्चिम बंगाल कहाँ पढ़ते हो? बोले यहीं पे पढ़ते, नाम मेरा खराब हो गया। बोले सर पता पश्चिम बंगाल। क्योंकि देखो हम लोग का समाज में क्या है, आदमी का नॉलेज आदमी डायरेक्ट सर टीचर से जज कर लेता है, टीचर से सवाल पूछने नहीं आएगा। बस समझ रहे, उसको पता है टीचर के बारे में, लेकिन आपसे पूछेगा। एक एक तो बहुत सारे बहुत जगह बहुत सारे टीचर लोग भी ऐसा होते हैं, बस उन लोग का आदत होता है। जैसे मान लीजिए सपोज आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो, अभी आप उनके पास हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, उनके पास जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे इकोनॉमिक्स का बताओ डिमांड। अब बच्चा है उसको याद नहीं है, बोले क्या तुम पढ़ते हो, तुम्हारा सर तुमको क्या पढ़ाए? अरे भाई सर क्या पढ़ाएगी बताए, सर तो पढ़ाएंगे ही ना। तो अच्छा जब उसको इतना बुराई करना है सर का, तो सर से पूछ लीजिए जाकर के, नंबर दे दीजिए मेरा, बोले आके सर से पूछ लीजिए। तो वहां पर लॉजिक क्या, समझिए क्या है, हम लोग का समाज में अभी भी ये सब चीज चलता है। कुछ भी गलती करेगा, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बैठा हुआ है घर में, आप भूल से मान लीजिए ग्लास गिर गया, तो घर के लोग भी कभी कभी बोलते तुम्हारा मास्टर तुमको ही सिखाया, तो मास्टर का ग्लास उठाना सिखाएगा? बताओ यार। कभी गए किसी का, मान लीजिए कोई चाटो चाचा है आपका, उसमें तीन चाचा का पैर छुए, एक चाचा का पाँव छूना भूल गए, मान लीजिए पाँव छूना भूल गए, सलाम करना भूल गए, रिस्पेक्ट देना भूल गए, बोले तुम्हारा मास्टर तुमको ही सिखाया, मास्टर पैर छूना सिखाता है। व्हाट अ लॉजिक गाइस, कैसा लॉजिक है, मास्टर पैर छूना सिखाएगा क्या? वो पैर छूना सिखा रहे। तो हम लोग देखिए, हम आपको आप एक साल पढ़ेंगे ना, आपको बहुत तेज बना देंगे, क्योंकि देखो पढ़ने के साथ साथ माइंड में कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है। आप सोच के देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन इज पैथेटिक, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन इज पैथेटिक, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी। इंडिया में गरीबी है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में असमानता है। बस समझ लेना। लेकिन इंडिया देखिए, इंडिया परेशान किन लोगों से, इंडिया परेशान छोटे सोच वाले लोगों से, जो लोगों का माइंड सेट ही छोटा है। देखो आप अपने लाइफ में भी पढ़ाई भी कर रहे हो ना, आप तब तक डेवलप नहीं होंगे ना, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ अगर हो भी जाएगा डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे मेरे पास पैसा बहुत है, मान लीजिए हम नया घर खरीद लिए, लेकिन मेरा छोटा सोच को कैसे आप बड़ा करेंगे? तो आपको अमीर बनने से पहले मेंटली डेवलप होना होगा। मेंटली डेवलप मतलब सोच को बड़ा करना होगा, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, हर चीज में गलत सोचना, हर चीज में नेगेटिव चीजों को बढ़ावा देना, ये गलत चीज होता है। इंडिया में गरीबी है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में असमानता है। और एक मैच्योर इंसान वही होता है जो सच को खुशी से एक्सेप्ट करे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख रहे हो, आप सच को स्वीकार करेंगे कि इंडिया में गरीबी भी है, इंडिया में बेरोजगारी भी है और इंडिया में असमानता भी है। डज नॉट मीन वी आर एंटी नेशनल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एंटी नेशनल हो गए। अभी हम लोग इंडिया में ऐसा ही होता है कि कुछ भी आदमी, कोई आदमी अगर बोल दिया, मान लिया एक तो वीडियो बना दी यूट्यूब पे कि इंडिया में गरीबी बहुत है, इंडिया के लोग बहुत गरीब है, इंडिया में गरीबी कब दूर होगा, ये आदमी देशभक्त नहीं है, और मार गाली देना शुरू कर देगा, अगले गाली देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। बस मेरे ना, इंडिया हैज पॉवर्टी, इंडिया हैज इनइक्वालिटी, इंडिया हैज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, असमानता और गरीबी, तीनों चीज हम लोग का है। अगर आप रिश्ता देखोगे ना, तो गरीबी और बेरोजगारी का डायरेक्ट रिलेशन है। गरीब वही है जो क्या बाबू? बेरोजगार। कहानी है ये, लेकिन समझना जरूरी है। गरीब वही है जो क्या बाबू? बेरोजगार। बात समझे ना? तो अभी आपको हम क्या पढ़ाएंगे, अभी आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ाएंगे। बेरोजगारी क्या होता है, देखो बड़ा इजी टॉपिक, हम पहले बताते हैं, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड, गरीबी क्या है, सॉरी बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कैसा कैसा होता है, बेरोजगारी का कारण क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे खुशी का बात ये है ना कि जो नोट्स में, कोचिंग का नोट्स में रहेगा, वही सब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये याद रखना आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग का नोट्स बहुत सुंदर से बनाया हुआ है, वही सब क्वेश्चन है। लेकिन क्या है, पहले से आपको बता दे रहे, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग द लॉन्ग क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा ये चीज, आपको हम पहले बता दे रहे। इकोनॉमिक्स का पढ़ाई में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव का रोल बहुत ज्यादा, मतलब एक मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको हम गिना चुना 100 क्वेश्चन देंगे, वो पढ़ के चले जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा। ऐसे पेपर तो सब पढ़ाई करते करते आप खुद सॉल्व कर लोगे, फिर भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे ना, उससे बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, लॉन्ग क्वेश्चन में गिना चुना है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बाबू इकोनॉमिक्स में कि आप जब तैयारी करते हो, आप जब प्रिपरेशन करते हो, तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना मुश्किल हो जाता है। काहे? आप लास्ट टाइम में याद करने बैठते हो, उस समय याद करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप उसको कंप्लीट करते जाइएगा। बस समझे, बस उसके चाप लेना दरकार नहीं है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बेरोजगारी का टाइप नहीं पढ़ाएंगे, पहले आपको बताएंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं, और फिर आपको हम बताएंगे। देखो हम लोग, आप लोग बेरोजगारी शब्द का बहुत मीनिंग समझते हैं। आज इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि बेरोजगारी क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले बाबू। ठीक है बाबू, तो वी विल टॉक व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में बेरोजगारी क्या है, इंडिया में बेरोजगारी किसको बोलते हैं, उसका बात हम लोग करने वाले हैं। अब बेरोजगारी शब्द को इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करता है वो बताएंगे। तो पहले आपको हम आज हम दो ही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, एक बेरोजगारी का डेफिनेशन, और दूसरा पढ़ाएंगे बेरोजगारी का कारण, और अगला दिन पढ़ाएंगे बेरोजगारी का टाइप्स। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो डेफिनेशन हो गया, आइए दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। तीन बार या दो बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इस साल का सजेशन में भी हम लोग कोचिंग का नोट्स में दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के अलग अलग टाइप, कैसा कैसा बेरोजगार होता है, बेरोजगार में भी टाइप है। देखिए जैसे इंसान बता, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, वैसे बेरोजगार लोग में भी टाइप है। पढ़ाएंगे, आज जानते हैं कि बेरोजगारी का मतलब क्या है, और इंडिया में बेरोजगार क्यों है, क्यों हम लोग बेरोजगार है, क्यों हम लोग का देश में बेरोजगारी है। बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, पहले मीनिंग समझते हैं। नोट्स में अभी देखना नहीं है, नोट्स में देखना नहीं है, सब ऑन लैंग्वेज में नोट्स लिखा हुआ है, सुनिए सिर्फ। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक ऐसा सिचुएशन होता है जब या तो इंसान काम करता नहीं है या तो वो काम करना चाहता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन जब लोग या तो काम करते नहीं है या तो काम करना चाहते नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन जब या तो आप काम करते नहीं हो या तो आपको काम मिलता नहीं, काम करना नहीं चाह रहे या काम मिल नहीं रहा। एक बात बताइए, दो तरह के लोग आपको समाज में दिखेंगे। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जिनको काम नहीं मिल रहा, वो काम करना चाहते हैं बट सैड रियलिटी इज उनको काम नहीं मिल रहा, जैसे लॉकडाउन चल रहा अभी। और पता है बड़ा अच्छा चीज, हम लोग तो नोट्स में अपडेट किए, देना भूल गए, पॉइंट में ऐड करेंगे, लॉकडाउन होना भी एक कारण है बेरोजगारी का। लॉकडाउन के कारण आप लोग देखे होंगे लास्ट ईयर से इस ईयर तक कितने लोग बेरोजगार हो गए, आपके घर में, हमारे घर में, हर जगह पे कितने लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग के ही देखिए ना, लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण लोग कितने बच्चों को पढ़ाते थे, अभी कितने बच्चों को पढ़ाते हैं कोविड के कारण, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का परिस्थिति है ये कितना विषम हो गया है। तो बेरोजगारी क्या है, जब या तो आपको काम मिलता नहीं है या आप काम करना चाहते नहीं है। सो आइदर यू डोंट वॉन्ट टू डू द जॉब और यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, सो इन बोथ सिचुएशन यू आर अनएम्प्लॉयड। सो वेन यू आर नॉट गेटिंग द जॉब यू आर अनएम्प्लॉयड, वेन यू डोंट वॉन्ट टू डू द जॉब यू आर अनएम्प्लॉयड। आप काम करना नहीं चाहते हो आप बेरोजगार हो, आपको काम मिल नहीं रहा है आप बेरोजगार हो। तो बताइए हम काम करना नहीं चाहते हमको क्या बोलिएगा, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, यस। आप काम करना चाहते नहीं है तो आप क्या बोलेंगे हमको, बेरोजगार। आप काम करना चाहते नहीं है तो क्या बोलेंगे अबू, बेरोजगार। आपको काम मिल नहीं रहा तो क्या बोलेंगे हमको बताइए। तो दोस्तों काम करना चाहते नहीं है तो भी बेरोजगार, काम मिलता नहीं है तो भी बेरोजगार, इन बोथ सिचुएशन आई एम बेरोजगार। बात समझ रहे, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, हम पढ़ के सुना देते हैं, इसके पास नहीं है मोबाइल निकालने का, बार बार दरकार नहीं है। दिस इज द, क्योंकि मोबाइल निकालने का बहाना बच्चे लोग बीच में चैटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी आप लोग तो अभी क्लास कर रहे हो ना, पहले अभी एक साल से तो ऑनलाइन क्लास बहुत सारा चल रहा है, तो देखते मोबाइल में कोई चीज भेजे, मोबाइल पढ़ते पढ़ते रहते हैं, हेलो बाबू कैसे हो, नाश्ता कर लिए, हाँ सुबह सुबह भैया ट्यूशन के लिए बुला लिया, क्या बोले सुबह आठ बजे क्लास देते रहे, माथा गर्म हो रहा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बात समझे, तो दिस इज द इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेन पीपल आइदर डोंट गेट द जॉब और दे डोंट वांट टू वर्क। क्योंकि हम खुद से लिखे हैं नोट्स को, तो जो आपको बोलेंगे वही इसमें लिखा हुआ मिलेगा, कि या तो आपको काम मिलता नहीं है या आप काम करना चाहते नहीं। यस और नो, हाँ या नहीं, हाँ। जल्दी बताइए, शुभम काम नहीं करना चाहता, शुभम को क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए, एग्जाम्पल दे। राहुल काम करना चाहता है, राहुल का काम नहीं मिल रहा, राहुल को भी क्या बोलेंगे, आपको काम मिलते हो, इन बोथ कंडीशन यू आर अनएम्प्लॉयड, जब आपको काम मिले नहीं या आप काम करना चाहते नहीं। तो काम ना मिले तो भी बेरोजगार, काम करना चाहते नहीं है तो भी बेरोजगार, दोनों सिचुएशन में आदमी को क्या बोलेंगे आप, बेरोजगार। अब आइए पहले बेरोजगारी का टाइप्स आपको हम पहले पढ़ाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आइए पेज नंबर आ जाइए 76 में, जरूरत नहीं है खोल, बाद में खोल लीजिएगा। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि अभी तो हम ही पढ़ाएंगे सब कुछ। अच्छा अब क्या है, हमको मोबाइल थोड़ा खोलना पड़ेगा। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में बेरोजगारी का क्या कारण है। सो दोस्तों इंडिया में बेरोजगारी का कारण जो है वो सुन के आपको हैरानी होगा, और ये सच्चाई भी है। वैसे तो बहुत सारे कारण है बेरोजगारी के, इंडिया में बहुत सारे कारण है जिस कारण से हम लोग बेरोजगार है। उसमें आपको छह पॉइंट हम लोग नोट्स में
ABCDEFG कितना होगा? 7 पॉइंट हम लोग नोट्स में कवर किए हैं। 7 पॉइंट्स आप लोग बंगाल बोर्ड वाले बच्चे लोग लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 पॉइंट चिपका देंगे, टीचर को 5 में 5 देना पड़ेगा, बात समझे ना? तो क्या अच्छा नहीं देगा मार्क्स तो क्या मेरा नंबर लिख के आ जाएंगे? नहीं, ये सब गाँव में होता है, गाँव में जाएंगे ना वहां पे लिखा रहता है कि अगर 100 में 100 नहीं मिला तो बीक चौड़ा पे गला काट देना। वहां पे एक दिन एक पोस्टर फेसबुक पे वायरल हुआ था, समझे? उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि टीचर अगर गणित में, हिंदी में लिखा हुआ था, अगर गणित में 100 अंक नहीं आते हैं तो टीचर का गला काट देना। बात समझे ना? टीचर मतलब वहां पे गारंटी दे रहा कि अगर 100 अंक तुम्हारा नहीं आता है तो मेरा गला काट दीजिएगा। ऐसा गारंटी हम नहीं लेते, ऐसा गारंटी हम नहीं लेते। हम लोग गारंटी लेते हैं कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, मार्क्स अच्छा आएगा, बस समझे ना? क्योंकि देखो मार्क्स क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है चेक करने वाला के ऊपर। आइए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला कारण, अरे हम पहले नोट्स को पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट द जॉब और इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिलो। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण है। कैसा कारण है? हाँ, बहुत सारा कारण है। उसमें से सबसे पहला कारण, अब थोड़ा मोबाइल को खोलेंगे, सबसे पहला कारण है उसमें, सबसे पहला कारण जो उसमें है वो है पॉपुलेशन। क्या बाबू? पॉपुलेशन। किसी को बोलिएगा मत। क्या है? पॉपुलेशन। आपको हम 11 में बोले थे, 11 में भी दिखाए थे, 12 में लाइव यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे हम उस सीन को। आप लोग भी जब कभी वीडियो देखना ना तो उसमें दिख जाएगा आपको, हम वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, पॉपुलेशन का ब्लास्ट है। ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट बोलो ना। ब्लास्ट। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, पॉपुलेशन का ब्लास्ट है। और आपको पता है इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको हम पढ़ाएंगे, गरीबी पढ़ाएंगे, पॉपुलेशन है कारण। बेरोजगारी पढ़ाएंगे, पॉपुलेशन है कारण। असमानता पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी उसका कारण है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस जहां पे रीजन क्या है बाबू? रीजन क्या बताइए? पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन खतरनाक तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहा था, बढ़ रहा है। बोले नहीं सर अभी तो कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो क्या हुआ? कोविड एक बीमारी है, वो कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बीमारी हो रहा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो खतरनाक है अपना कंट्री का। तो अगर इंडिया का प्रॉब्लम यही है हम लोग का, हम लोग किसी भी चीज में ना पॉजिटिव चीज ढूंढना नहीं चाहते हैं। अभी तो पॉजिटिव ढूंढने में भी डर लगता है, बोले पॉजिटिव बोलने साथ में कोरोना पॉजिटिव समझ लेंगे। बट पॉजिटिव ढूंढना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि इंडिया में इतना, आप सोचो इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो इतना पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत तो आपका ये रहेगा ही, कॉमन सेंस। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इंडिया अगर इंडिया का पॉपुलेशन मान लीजिए 136-137 करोड़ लगभग होगा, अभी डेटा निकालेंगे उसमें से पता चलेगा, 136-137 करोड़ लगभग हम लोग का पॉपुलेशन है। उसमें अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा। आपको हम एक डेटा बता रहे, कुछ दिन पहले हम वीडियो भी बनाए थे, आप बताते हैं बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका भूटान, सुन लीजिए, बांग्लादेश श्रीलंका भूटान पाकिस्तान, ये लोग सब का मिला के आबादी, ये लोग इतना कितना कंट्री हो गया? 4-5 कंट्री हो गया ना, 4-5 कंट्री। और हम लोग का बंगाल बिहार यूपी मिला के वो लोग से ज्यादा है। और सुनिएगा, बंगाल बिहार यूपी महाराष्ट्र, अगर ये 4-5 तो राज्य को छोड़ देंगे ना, तो बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान भूटान नेपाल सबको ढक देंगे, बात समझ रहे ना? तो क्योंकि बोले पॉपुलेशन इतना हार्ड है, पॉपुलेशन का बात करें, खाली पॉपुलेशन ना, और कोई चीज में ओनली पॉपुलेशन, ठीक है, हम पॉपुलेशन का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा, हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन का बात करें कि पॉपुलेशन में हम लोग सबको ढक सकते हैं, किसको ढक सकते हैं? सबको। तो सब अगर एक एक तपड़ा के भी मारेंगे हम लोग को, सोच के देखिए, अगर पाकिस्तानी लोग को एक एक थप्पड़ करके भी मारेंगे, अगर भूटान का आदमी लोग को एक एक थप्पड़ करके, नेपाली लोग जो होता है नेपचा आदमी लोग, वो लोग को अगर कोई नेपाली वाली नहीं नभाते, नहीं कोई नेपाल का नहीं है, हम लोग का इंडियन स्टूडेंट है। देखो ये प्रॉब्लम समझिए, अब ये चीज का प्रॉब्लम समझिए, अगर नेपाली लोग को एक एक थप्पड़ करके भी हम लोग मारेंगे, इंडिया के लोग इतना पॉपुलेशन है तो कहाँ जाएगा लोग बताइए? एक थप्पड़ जाएगा, एक थप्पड़ वाले मारेंगे, 136 थप्पड़, करोड़ थप्पड़ उसके लगेगा। तो जस्ट इमेजिन करो ना, पॉपुलेशन कितना बड़ा है वो आपको बता रहे, जस्ट फील दिस वर्ड की पॉपुलेशन कितना भयंकर वाला पॉपुलेशन है अपना कंट्री का। अभी आपको ना देखिए, अभी पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है उसको हम पहले पढ़ के समझाते हैं और फिर आपको हम लाइव पॉपुलेशन काउंटिंग दिखाएंगे। इसमें वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। बोला पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है, बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हम लोग कंट्री में, जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका पॉपुलेशन, वो है हम लोग का पॉपुलेशन। देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत खतरनाक तरीका से है। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। इट सिंपली मीन्स द बर्थ रेट इज मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन डेथ रेट। बोला इंडिया में बर्थ रेट जो है ना
वो बहुत ज़्यादा है डेथ रेट से. बर्थ रेट इज वेरी हाई देन दैट ऑफ डेथ रेट. हम लोग का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है डेथ रेट के तुलना में. देखिए हम लोग का बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है किसके तुलना में बाबू, डेथ रेट के तुलना में. तो देखिए हम लोग का बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट क्या बाबू, कम. तो जस्ट आप समझिए, चीज़ों को समझिए कि बर्थ रेट अपना कंट्री में क्या है, ज़्यादा, और डेथ रेट क्या बाबू, कम. बर्थ रेट ज़्यादा होने का मतलब होता है कि जितना लोग मर रहे हैं ना, जितना लोग मर रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, कई गुना ज़्यादा लोग. क्योंकि मरने वाला आदमी का संख्या अपने देश में क्या है ना, कम है. अभी कोविड वोविड के कारण थोड़ा बढ़ गया होगा मोर्टैलिटी रेट उसको बोलते हैं, मतलब डेथ रेट उसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा. हम एक मिनट का रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे, एक मिनट का रिकॉर्डिंग आपको बताएंगे, एक मिनट का डेटा हम पूरा कैप्चर कर रहे हैं इसमें, आपको हम दिखाएंगे कि एक मिनट आप देखोगे पॉपुलेशन एक मिनट में कितना खतरनाक तरीका से, कितना खतरनाक गति से बढ़ रहा है. तो देखिए इसमें क्या ना पॉपुलेशन का ब्लास्ट होगा. देखिए एक मिनट उसको रिकॉर्ड कर ले, 8:40 में हम रिकॉर्ड किए, 8:40 का हम स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है. अभी आप लोगों को दिखा देंगे, देखिए 8:40 का स्क्रीनशॉट ले लिया. अभी हम ज्यादा नहीं, 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, 2 मिनट बाद दोनों को कंपेयर करके आपको पढ़ के समझाएंगे कि कितना कितना डेटा पड़ा है, कितना बच्चा लोग 2 मिनट में जन्म ले लिया होगा. बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, 2 मिनट का बात करेंगे हम लोग. 42 होगा तो बोलिएगा, ठीक है, हम स्क्रीनशॉट लेंगे. सो बच्चे लोग देखिए पॉपुलेशन का पहले पढ़ लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा होता है तक पढ़ लेते हैं. इट सिंपली मींस बर्थ रेट इज मल्टीपल टाइम ग्रेटर देन एवरेज डेथ रेट, बट दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. बड़ा अच्छा बात बोला कि बहुत बच्चे लोग जन्म ले रहे हैं, जबरदस्त तरीका से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बहुत बच्चे लोग जन्म ले रहे हैं, जबरदस्त तरीका से पॉपुलेशन बढ़ रहा है. लेकिन 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 जो बच्चे लोग जन्म ले रहे हैं क्या लोग को रोजगार मिल रहा है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उस पॉपुलेशन के हिसाब से देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा, उल्टा बेरोजगारी बढ़ जा रहा है, उल्टा बेरोजगारी बढ़ जा रहा बाबू. क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग बेरोजगार बहुत होते जा रहे हैं, उल्टा उल्टा. जहां रोजगार बढ़ना चाहिए, 41 ही हुआ अभी, जहां रोजगार बढ़ना चाहिए वहां पर उल्टा क्या बढ़ जा रहा बाबू, बेरोजगार. तो इंडिया में जितना स्पीड में थैंक यू गाइस. चलिए 2 मिनट रुकिए, अब आपको हम देखते हैं कंपैरेटिव शीट बना के भेजते हैं, रुकिए पढ़ के आपको समझाएंगे, आप वहीं से समझ जाओगे और उसके बाद आपको कभी ये पॉइंट समझाना नहीं पड़ेगा. 8:40 वाला और 8:42 वाला, 2 मिनट के आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. क्या हुआ? चलिए देखिए देखिए आप आपने तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल में भी भेज दे रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन लोग को हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं. देखिए गया आप लोग ग्रुप में, देखिए 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 आया ग्रुप पे, देखिए सब ग्रुप में आया ना. देखिए देखिए अब आप पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे. देखिए एक पॉपुलेशन डेटा कब का है, एक पॉपुलेशन डेटा है आपका 2000 सारा अभी करेंट का ही डेटा है. करेंट का डेटा में देखिए दो टाइम यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट को कंपेयर किया गया है. टाइमिंग अगर देखेंगे ना साइड में कॉर्नर में आपको टाइमिंग देखेगा, टाइमिंग देख लीजिए. एक मिनट